हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी 2019 सॉरी 10 हो गया है। इसमें एक बड़ा बदलाव हो गया है। 4DB ही फिर से जारी हुआ है, लेकिन कैंडिडेट पहले 415 से अब 468 बढ़ा दिया गया है। कटअप रिवाइज करके जारी हो गया है और रिप्लेसमेंट पैनल भी शामिल हो गया है नॉर्दर्न रेलवे लाजपत नगर न्यू दिल्ली के लिए। अच्छा खबर है, जितना भी कैंडिडेट को ले लिया जाए अच्छा है। इसमें OBC को भी ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। ये 6 तारीख को डेट था, लेकिन 7 को शायद शाम को अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले आपने 30 तारीख को देखा होगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था जिसमें 2 DB आई थी। एक तो 2018 के लिए 6th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 2019 के लिए 4th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 4th राउंड वाला पहले ले लेंगे। तो 4th राउंड वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था, इसको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए मैं रखता हूँ। 415 कैंडिडेट को लिया था, ठीक है। तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है वही है, सेम के सेम है। खाली इसमें कैंडिडेट की वो बढ़ा दिया है, संख्या बढ़ा दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल सेम के सेम रहेगा। वो जारी हुआ है 6-8 को वेबसाइट पे, 7-8 को अपडेट हुआ, जिसमें कैंडिडेटों की संख्या पहले से 415 से बढ़ा कर 438 कर दिया गया है। कारण है कि रिप्लेसमेंट DB रिसीव हुआ है फिरोजपुर डिवीजन से। इसके कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 22-8 से ही शुरू होगा, तो 21-8 से लेकर 22-8 तक ही चलेगा। किसका कैंडिडेट का संख्या बढ़ा है वो देख लीजिएगा। 438 होने के कारण यहाँ पे AC का 74 अभी है, पहले भी शायद 74 ही था। एक बार देख लेंगे हम लोग, मैच कर लेंगे। तो AC का पहले भी 74 था, AC का 36 पहले था ST के लिए सॉरी, और ST का अभी 42 हो गया है। यानी कैंडिडेट ST में 6 बढ़ गए हैं। OBC में 289 थे, UR में तो पहले भी नहीं थे, अभी नहीं थे, अब 89 से बढ़ के हो गया है 72। तो यहाँ पे देखिएगा 269 था ना, 89 था। तो ये OBC का संख्या कम हो गया है, कुछ कट अप का भी चेंज होगा। EWS के लिए अच्छा, अभी वाला में 289 हो गया सॉरी, 272 से बढ़ के, उल्टा मैं जोड़ रहा था, PDF दूसरा खोल लिया। तो यहाँ पे आपका 7 और यहाँ से 17 कैंडिडेट बढ़ गए हैं। EWS में पहले 33 थे, अभी यहाँ पे EWS में अभी भी 33 है। LD का कोई नहीं है, UR का कोई नहीं है। यानी जो कैंडिडेट की संख्या बढ़ी है, यहाँ बढ़ी 6 और यहाँ बढ़ा आपका करीब करीब 9, 17 6 कितने हो गए, 21। बाकी और कौन कैंडिडेट कहाँ गए, 15 से 38 हुआ तो हो गया ना, 15, 6, 23, 38, ठीक है। तो आपका ये कैंडिडेटों की संख्या बढ़ा है, तो जिनको बढ़ गया 438 तक उनके लिए बधाई। और जिनका नहीं हुआ था, बहुत लोग सो रहे होंगे, एक बार देख लीजिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है, 21-8 से 22-8 के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट चेक कर ले। तो एक अच्छा न्यूज है नॉर्दर्न रेलवे का। कुछ लोगों को लगेगा कि यह नया DB है, तो नया DB नहीं है, वही DB कटअप बढ़ा के किया गया है। तो कटअप किसका किसका चेंज होगा, तो ST का और OBC का। OBC का देखिए, 17 कैंडिडेट लेने के लिए कितना कटअप चेंज हुआ है, 70.06 अभी हो गया है, 70.06 यही हुआ है ना जी, एक मिनट देख लें, 70.06 71-40 अभी हुआ है। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले आप देखेंगे तो 70.07 था, यानी 0 के बाद 0.1 नंबर के आसपास कम हो गया। ST में देखेंगे तो 58.002 था पहले, अभी क्या हो गया, 57.97, यानी 0.02 को कह सकते हैं, 0.5 नंबर यहाँ तक कम हो गया है ST में। बाकी AC का तो उतना ही होगा। EWS में भी कुछ चेंज हुआ है क्या, 65 EWS का है, तो यहाँ पे 65.090 है, यहाँ पे देखिएगा तो 65.0 ही होगा, क्योंकि कटअप इसके कैंडिडेट लिए नहीं तो कैसे कम होंगे। तो कुल मिला के कहिए एक अच्छा न्यूज है, यानी 68 को 38 करना पड़ेगा हमें, और यहाँ से आपको 2 चेंज है, यहाँ पे 2019 होगा। थैंक यू, धन्यवाद।